मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 7। टेम्परेचर यहाँ पर कुछ 30 डिग्री के आसपास है और मैं हूँ इस वक्त मुरादाबाद सिटी में। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जब मैं दिल्ली से निकल रहा था कि मुझे हिमाचल प्रदेश जाना है और हिमाचल से पहले मुझे मुरादाबाद आना है कुछ दिनों के लिए, तो कुछ काम था जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मेरे चाचा का घर है, मेरे अंकल का घर है और यहाँ से नज़ारे वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। तो मुरादाबाद सिटी में हम लोग, और इसे पीतल नगरी, ब्रास सिटी भी कहते हैं जैसा आपको पता ही होगा। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ, जो भी मेरा काम है वो तो मैं करूँगा, साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियोस भी बना लूँ। और चाचा जी के घर पे आया था तो वो भी हमारे साथ ही चलेंगे अंकल, उनसे मैं मिलवाऊँगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा जब हम निकलेंगे घर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, मज़ा आएगा मिलकर। एंड शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड बाकी बातें रास्ते में, आ जाओ। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं मुरादाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए। ये चाचा जी जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, तो चाचा जी जो है हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से, पिछले कुछ 20 या 30 सालों से, लगभग 30 साल हो गए। तो 30 साल से दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और भी बड़े बड़े जो पेपर, न्यूज़पेपर हैं, उनमें ये वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर काम कर चुके हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। तो मैं जितना जानता हूँ उतना मैंने बता दिया, बाकी चाचा बताएंगे। बताओ, मुझे तो वैसे प्रिंट मीडिया में 30 साल हो चुके हैं। इस समय जो है हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने अपना वीआरएस ले लिया है या छोड़ दिया कि नहीं कारणों से, वो सब मिल के जो है ऑनलाइन पोर्टल और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसी में मैं भी काम कर रहा हूँ। यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? बिफोर प्रिंट के नाम से है। बिफोर प्रिंट के नाम से? तो बिफोर प्रिंट का मतलब अखबार में छपने से पहले। अच्छा, इसलिए जो है, और वैसे भी जमाना बिफोर प्रिंट का ही रहा है। हाँ। और पेपर इंडस्ट्री का भविष्य वैसे भी कहा जा रहा है 15-20 साल में ख़त्म हो जाएंगे। पहले की तरह लोग अब अखबारों में समय व्यतीत नहीं करते, बच्चों में तो अखबार पढ़ने की रुचि बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, नई जनरेशन जो है, इस लिहाज से जो है ऑनलाइन पोर्टल आगे चल के ऑनलाइन न्यूज़ जो है सब सक्सेस होने वाली है। हाँ। उसी को देख के सब लोग अपने को चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग पहले मुरादाबाद में, जैसे मुरादाबाद विश्व में फेमस है, ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और रेवेन्यू के हिसाब से देखिए तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा मुरादाबाद के थ्रू भारत सरकार को प्राप्त होती है, क्योंकि सबसे लगभग छोटे बड़े मिला के यहाँ पे 3000 एक्सपोर्टर हैं कुल मुरादाबाद में। अच्छा। जिनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आती है। तो आज हम लोग चलेंगे जो एक्सपोर्टर हैं, तरह तरह के एक्सपोर्टर हैं यहाँ पे, काम होते हैं, लकड़ी का होता है, ब्रास का होता है, पीतल मूर्ति नक्काशी भी बहुत होती है, उनके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा हुल्लड़ मुरादाबादी बहुत बड़े कवि थे और व्यंग और हास्य के, वो यहीं के रहने वाले थे, इसीलिए उनके नाम के आगे हुल्लड़ मुरादाबादी लिखा जाता था। हुल्लड़ मचाते थे वो, वैसा टाइप नहीं, हुल्लड़ नहीं, नाम ही हुल्लड़ मुरादा, क्योंकि हास्य व्यंग्य के कवि थे तो इसलिए उनका नाम था हुल्लड़ मुरादाबादी। मुरादाबादी उनका इसीलिए तखल्लुस था क्योंकि मुरादाबाद को बिलोंग करते थे। तो चलो अभी हम लोग मुरादाबाद की सड़कें नापते हुए पहुँचते हैं, कोई तो इंटरेस्टिंग जगह लेके जा रहे हैं चाचा। तो अभी हम मुरादाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट में हैं और ये कमलदीप सर हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, चाचा जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर भी हम आ गए इस फैक्ट्री को देखने के लिए। और यहाँ अगर मुझे पता चला कि पूरे मुरादाबाद में लगभग 3000 या 3000 से ज़्यादा छोटे बड़े ऐसी फैक्ट्रीज और कारखाने हैं जहाँ पर इस तरह का काम होता है, रॉ प्रोडक्ट बनते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट होते हैं, सारा जो भी माल यहाँ इंडिया से बाहर जाता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं कमलदीप सर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या कैसी इंडस्ट्री है ये। यहाँ पर सब कुछ एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, ये सब जगह एक्सपोर्ट होता है। पेट प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेज हैं, शॉपिंग बोर्ड्स हैं, स्टूल्स हैं, इस टाइप के आइटम हमारे पास एक्सपोर्ट होते हैं। इस तरह के यहाँ पर ये डॉग बॉल्स बनते हैं, ज़मीन से 1-2 इंच का ऊपर होता है ये, लकड़ी का इसमें भी काम होता है। तो जो पेट्स हमारे घर पे होते हैं, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गई, जब वो खाना खाते हैं तो एक तरह का उनके लिए स्टैंड है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। कुछ लोग अनफिनिश भेजते हैं, रॉ मटेरियल भेजते हैं, कुछ लोग फिनिश करके भेजते हैं। कई एक्सपोर्टर ऐसे होते हैं 3-4 मिलके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, एक कंटेनर करते हैं, उसमें माल भेजते हैं। कोई लालटेन का काम, कोई लोहे का काम करता है, कोई सिर्फ लकड़ी का करता है, जैसी डिमांड होती है बायर की उस तरह का यहाँ से सप्लाई होता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दोपहर के 2 बज गए, धूप काफ़ी हो गई है, गर्मी काफ़ी, तो हमने ये सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेंगे अभी,
हो सकता है घर चले जाएं, उसके बाद फिर से हम शाम को निकलेंगे। यहाँ की एक बहुत फेमस चीज़ है ना, आप वो क्या बता रहे थे, दाल और जलेबी। दाल, दाल जलेबी, दाल के साथ जलेबी खाने का अनोखा टेस्ट है। दही के साथ जलेबी खाई होगी, दूध के साथ खाई होगी, रबड़ी के साथ खाई होगी, लेकिन यहाँ पर दाल के साथ भी खाते हैं, समझ रहे। तो उसको चलकर टेस्ट किया जाएगा, मतलब मैं सोच के भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसा टेस्ट होगा, वहीं चलकर देखते हैं। आ जाओ। तो अभी 2:30 हुए और पीली कोठी के पास हम आए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक ठेला दिख गया, मूंग दाल की, दाल का ये एक स्टॉल लगा हुआ है, जो कि मुरादाबाद अगर आप आते हैं तो यहाँ की दाल बहुत फेमस है, ऐसा आप सुना होगा आपने। तो दाल और जलेबी तो जब खाएंगे तब खाएंगे, फिलहाल अभी हमें ठेला दिख गया तो एक बार दाल टेस्ट करके आते हैं यहाँ की। आओ, ये बताइए यहाँ पर जो मिलता है ना मुरादाबाद में, दाल के साथ जलेबी वाला कोई कौन नहीं, कहीं नहीं मिलेगा जलेबी अलग से लाने वाला नहीं, ऐसा कहीं नहीं है फिलहाल, अब सब जगह अलग अलग होता है। मुरादाबाद में नहीं होता है, मुरादाबाद में जलेबी अलग होती है, जलेबी अलग। अच्छा, मैंने सुना था इसलिए मैंने कहा खाते हैं। ये भी आपका बहुत पुराना दुकान है? 25 साल। 25 साल पुरानी दुकान है। काला नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, मिर्च, हरी चटनी, लहसुन की, नींबू, पनीर, पनीर, बहुत गर्म है, स्वादिष्ट बहुत है, चटपटा टेस्ट है, चटपटा टेस्ट है, इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मिर्ची आपको खट्टा और ज़्यादा खाना, नींबू डलवा लीजिए, हरी चटनी बढ़ा सकते हैं। और इसमें ज़रा भैया इसमें एक बतासा पुराना फोड़ देना, कोई आटे वाला बतासा फोड़ सकते हैं। इसमें पापड़ी जो पतली वाली होती है उससे जो चम्मच की जगह पापड़ी इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम भी टेस्ट कर लेते हैं इसको। बटर ऊपर तैर रहा है गजब से, चटपटे मसाले पड़े हुए हैं। लाजवाब, दाल की चाट बना दी ऐसा लग रहा है। आहा, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, दाल और जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है वो पुरानी मंडी चौक वो सुबह मिलता है। सुबह का एक तरह से इंदौर में जाते हो तो पोहा और जलेबी सुबह का नाश्ता है। यहाँ पर सुबह सुबह लोग जाते हैं और दाल और जलेबी खाते हैं। जबान एकदम मतलब चटपटा गई, वाह मज़ा आ गया। तो अभी दोपहर के 2:40 हुए और अभी हम आए पीली कोठी में, कुंदन्स करके एक रेस्टोरेंट है, नीचे इनकी बेकरी है और ऊपर रेस्टोरेंट है। चाचा ने ऐसा बताया कि बहुत ही फेमस है और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी लाजवाब होता है। तो हमने कहा चलो दोपहर का समय हो ही रहा है तो कुछ बैठ कर अच्छा सा खा लेते हैं। हालांकि दाल बहुत चटपटी थी लेकिन पेट भरने के लिए सिर्फ दाल काफ़ी नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर किया एक छोले भटूरे और एक राज कचौड़ी। बाकी यहाँ का एम्बियंस थोड़ा सा वैसा है कि शोर शराबा है, लंच का टाइम है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बाकी खाना कैसा है, खाना आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारा छोला भटूरा। भटूरे भाई बहुत अच्छे से फुला के दिए गए और छोले तो बहुत ही गजब के लग रहे हैं। सेमी ड्राई छोले हैं, थोड़ा सा ग्रेवी के साथ, सैलेड है इसमें और आलू के 2 पीसेस हैं बड़े बड़े और एक ये पिकल दिया हुआ है। और ये है राज कचौड़ी। अंदर बहुत सारी चीज़ों की पिलिंग करी गई है, इसमें आलू है, पोमीग्रेनेट है, दही डाला हुआ है, चटनी डाली हुई है, हरी चटनी है, लाल वाली चटनी है, दही का वड़ा भी है इस राज कचौड़ी के अंदर। मस्त चटपटा टेस्ट है, मज़ा आ गया इसको खा के। बाकी छोले भटूरे चाचा बताएंगे कैसे हैं। छोले इनके दूसरे टाइप के, जैसे दिल्ली में मिलते हैं सूखे छोले, बड़े उस तरह के नहीं है, ये छोटे चने हैं, काले चने टाइप के, ग्रेवी के साथ बनाए हैं। छोले भटूरे की भी एक बाइट लेकर देख लेते हैं। भटूरे बिल्कुल ऑयली नहीं है, छोले बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, मसालों का जो संतुलन है बिल्कुल बराबर है। और एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए पानी यहाँ पर आपको बॉटल वाला ही मिलता है, पैक्ड बॉटल जो होती है वो, और डिस्पोजल प्लेट्स में सर्व करते हैं खाना। कोविड के बाद से इन्होंने सब कुछ ऐसा डिस्पोजल कर दिया है, तो साफ सुथरी जगह है, खाना भी अच्छा है और क्लीननेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो हम फटाफट अपना ये लंच फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद हम आपसे बाहर कहीं पर मिलते हैं, ठीक है? स्टे ट्यून्ड।
तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं अमरोहा गेट से मंडी चौक की तरफ। मंडी चौक में हम जा रहे हैं बर्तन बाजार। तो भाई यहाँ का जो मार्केट है इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है ना, चारों तरफ हॉन्किंग पॉन्किंग और इतनी पतली सी रोड पे इतने सारे ई रिक्शा चल रहे हैं। तो भाई यहाँ कार लाना तो बहुत मुश्किल था, इससे बाइक से जा रहे हैं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बचा हुआ मुरादाबाद। मंडी चौक यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है, बहुत ही नोन मार्केट है, जहाँ पर बर्तन और जो पीतल का मेन काम होता है। पीतल के ये देखो दिखना शुरू हो गया पीछे, इतनी बड़ी बड़ी पीतल की मूर्तियाँ रखी हैं, देखो आई होप दिख रहा होगा पीछे, बाकी हम आगे चलकर दिखाते हैं आपको। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग हैं मंडी चौक बर्तन बाजार में मुरादाबाद में। और यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैसा मैंने बताया कि इसे ब्रास सिटी बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं, तो भाई यहाँ पर आना तो बनता था, यहाँ की कारीगरी देखने और यहाँ बड़ी बड़ी जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं उसे देखने के लिए। और जिस जगह अभी हम आए हैं यहाँ पर चाचा जी के फ्रेंड हैं ये, उनसे मिलने आना था, निर्मल जी हैं साथ में हमारे। यहाँ पर एक समय में IPL के लिए जो ट्रॉफी डिज़ाइन हुई थी वो यहाँ से बनकर गई हैं। ये ट्रॉफी अभी रिसेंटली गई है, इसके ऊपर क्रिकेट बॉल लगा के जो IPL में मैन ऑफ द मैच को मिली है। ओह, ये ट्रॉफी रखी सर के पास, ये IPL में जा चुकी है, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट की बॉल लगाई गई थी, तो बेसिकली उसकी रिप्लिका है एक तरह से बोल सकते हैं, और ये ट्रॉफी यहीं से बन के गई थी जी। तो ये देखो भाई कमाल की बात है, यहाँ पर आकर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वो सब ट्रॉफी भी हमारे यहाँ से गई है। सचिन तेंदुलकर को जब रिटायर होने के टाइम में शिवसेना वालों ने एक तलवार भेंट करी थी, 8 फीट की तलवार, वो आपके यहाँ से गई थी हमारे यहाँ से। ओह नाइस, 8 फीट लंबी एक तलवार यहाँ से बनकर गई थी जब सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास लिया था, तो शिवसेना की तरफ से उनको भेंट करी गई थी, तो वो तलवार जो थी सम्मान के तौर पर जो दिया जाता है, तो वो तलवार सर के यहाँ से बनकर गई थी। तो काफ़ी अच्छी जगह हम आ गए और काफ़ी अच्छी स्टोरीज यहाँ पर जानने के लिए मिली। चलिए सर थैंक यू सो मच बात करने के लिए। गिफ्ट लैंड शॉप में हम आए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोग इसी पीतल मार्केट में घूम रहे हैं, बर्तन बाज़ार में घूम रहे हैं, तो राहुल जी हमारे साथ हैं और ये शॉप इन्हीं की है जी। और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं पीतल से बनी हुई, बाहर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं गणेश जी की, शंकर जी का, एक वो नटराज वाला जो पोज होता है वो अभी मैंने देखा, काफ़ी बड़ा ह्यूज सा। तो सर ये पूरे मार्केट के बारे में मुझको जानना है कि मतलब बेसिकली कितना पुराना है और क्या खासियत है मतलब इस मार्केट में। ये क्या है यहाँ पे जितना भी हैंडवर्क वाला काम है ये सारा मुरादाबाद का होता है, जैसे मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से फेमस है। बिल्कुल, तो ये सारा हैंडवर्क माल मुरादाबाद में बनता है, जो हम पीतल पे जिसपे चिताई कहते हैं वो सारा मुरादाबाद होती है। और ये कहाँ कहाँ जाता है अगर बात करें इंडिया की या फिर इंडिया के बाहर? इंडिया में तो हर कोने में, आप 33 स्टेट हैं, 32 स्टेट हैं यहाँ पे, सब जगह ये माल जाता है। और इसके अलावा बाहर इंडिया के बाहर कहाँ जाता है? डोमेस्टिक में UK हो गया, UK में ज़्यादा अच्छी सप्लाई है। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी मुरादाबाद में ज़्यादातर जो है ना इंडिया के बाहर सप्लाई होती है, तो मतलब ऐसा बोला जा सकता है पूरा मुरादाबाद एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है पीतल का, हब है ये, ये हब। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में सप्लाई होता है, यहाँ पे रॉ स्टफ भी बनता है जो बाहर जाके फिनिश होता है, और फिनिश वाला काम भी यहाँ पर होता है जो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी सप्लाई होता है। तो शायद इस चीज़ों के दीवाने, हाँ, उन्हें देखने को नहीं मिलता मुरादाबाद आते तो कहते हैं वाह क्या चीज़ है। बिल्कुल, और यहाँ आते ही इतना ज़्यादा चमचमाता हुआ दिख रहा है ना सब कुछ, ऐसा गोल्ड गोल्ड की तरह पीतल है, सिल्वर भी दिख रहा है, तो मतलब बहुत ही जगमगाता हुआ मार्केट है। कभी कभी तो यकीन भी नहीं करते, बोलते गोल्ड का बना हुआ है ना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है देखने में, बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है। कभी अगर मुरादाबाद आते हो विजिट करते हो, बिल्कुल विजिट करिएगा, तो एक बार जरूर आओ यहाँ पे, गिफ्टलैंड शोरूम आपका स्वागत करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो कल हम लोग मंडी चौक बर्तन बाज़ार में थे, जहाँ पर हमने पीतल का मार्केट देखा, जहाँ पर ट्रॉफीज़ का शोरूम था वो देखा, और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये है कन्हैया लाल निर्मल कुमार ट्रेडर्स निर्यात नगर में मुरादाबाद में। यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि बेसिकली जो ट्रॉफीज़ आपने देखी वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी बनती कैसे हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है वो भी मुझे देखना था, तो उसकी पूरी असेंबलिंग होती है वो इस कारखाने में होती है। तो कल के दिन वैसे भी रात हो गई थी तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए अपना शूट, और आज मैं देखने के लिए यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रॉफीज़ की पूरी तरह से असेंबलिंग होती है, जो उसका बेस होता है लकड़ी का वुड का, उसे कैसे लगाया जाता है, तो ब्यूटीफुल ट्रॉफीज़ उसमें डायमंड्स किसी में लगे होते हैं, किसी में बोर्ड्स होते हैं, और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके लिए भी ट्रॉफीज़ यहाँ से बन के जाती हैं। ये उन्होंने ई स्पोर्ट्स कराए, ई स्पोर्ट्स चल रहा था। अच्छा, ऑनलाइन स्पोर्ट्स, ऑनलाइन स्पोर्ट्स का उसके लिए किया था। अभी पीछे 3 ट्रॉफी गई है। अच्छा, एक ट्रॉफी, इस ट्रॉफी को बनने में कितना टाइम लगता होगा? बहुत ज़्यादा, 15-20 दिन में तैयार हो जाती है।
सब मटेरियल अलग अलग तैयार किया, असेंबल यहाँ कर दी जाती है। ये जैसे वर्ल्ड कप की है ट्रॉफी, यही बनाई थी आपने? इस तरह की बड़ी थी, और बड़ी थी वो, बड़ी थी 87 वर्ल्ड कप की है, आप ही ने बनाई थी। वेरी गुड। 87 वर्ल्ड कप की है ये, उसकी छोटी रिप्लिका है, जो ओरिजिनल ट्रॉफी थी वो इससे बहुत बड़ी थी। तो अभी हम मुरादाबाद मंडल में ही हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम इसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे संभल हो गया, रामपुर हो गया, अमरोहा हो गया, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। तो आने वाले वीडियोस में वो भी जगह आप देखेंगे। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कॉमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं ज़रा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल को। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो ये कब्र है तोता और मैना की, लगभग 1000 साल पुरानी कब्र है ये। अभी हम लोग आए हैं रामपुर की रजा लाइब्रेरी में, और ये लाइब्रेरी आपको बता दूं कि 1905 के समय में बनाई गई थी। 204 पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों की हैं, जिस पर भगवत गीता है, पुराण है, लिखे हुए हैं। ये जो झूमर है ये भी मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है। वह इसमें जो बल्ब हैं वो भी 100 साल पुराने हैं, जो अभी तक जो है वो जलते हैं। तो अभी हम लोग मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर श्री अंजन्य कुमार सिंह जी के ऑफिस में हैं। जो बेसिक चीज़ जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट इसको बनाती है, जब आप आएंगे मुरादाबाद मंडल में घूमेंगे, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये खजाना है। रामपुर रामपुरी चाकू के लिए मशहूर है, जो ये ऐसे खुलता है, जब आप इसको खोलते ये आवाज़ आती है, ये लोहे तक को छील सकता है। ये कम से कम 100 साल से ज्यादा पुराना चाकू, ये है रामपुरी चाकू, इसका नाम सुना होगा बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में। जानी, ये रामपुरी है, लग जाए तो खून निकल आता है। चाचा जी बंदूक खरीदने के मूड में है, मेरे को चाकू लेने नहीं दे रहे हैं ये। भाई ये ऐसा नमूना, अद्भुत नमूना मैं पहली बार देख रहा हूँ। जीता जागता बिच्छू है, और बिच्छू का डंक भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। बिच्छू को आप घर ले जाते हैं ना, 7 दिन अगर आप बोल कर जा रहे हैं तो 7 दिन तक वो बिल्कुल नहीं काटेगा, लेकिन 8वें दिन अगर आपने इसको वापस यहाँ पर नहीं छोड़ा तो वो काट लेगा।